हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो शायद आपको पता होंगे, शायद नहीं पता होंगे, लेकिन कुछ इसमें से मेरे फेवरेट ऑप्शंस हैं। जो आपने इनेबल नहीं किए होंगे तो आपको यूजर एक्सपीरियंस में थोड़ी कमी महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर आप उसको इनेबल कर लोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो उसमें पहला मैं बताना चाहूंगा आपको, ये रियलमी लैब का ऑप्शन खोलना है आपको और स्मूथ स्क्रोलिंग को ऑन कर लेना है। स्मूथ स्क्रोलिंग से क्या होगा, जो आप स्क्रोल करते हो चाहे किसी भी ऐप में हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी ऐप में, तो इससे स्मूथ स्क्रोलिंग से होता क्या है कि आपकी स्क्रोलिंग जो है ना वो स्मूथ हो जाएगी। अभी तो स्मूथ है 120 हर्ट्ज के हिसाब से, लेकिन इसके बाद ना आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस फील होगी, क्योंकि ये इनका रियलमी लैब का एक टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग वाला फीचर होता है ना, वो है ये फीचर। इसमें आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप जब भी स्क्रोल करोगे, टच करोगे स्क्रीन को, तो अलग फील होगी आपको। आप ये वीडियो में नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको रियल लाइफ में अलग फील होगा। तो अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ जेस्चर्स के ऑप्शंस, मतलब जेस्चर जो हम बनाते हैं अपने मोबाइल में, तो उसके ऑप्शंस भी काफी ज्यादा दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे कि एक ये दिया है रेस टू वेक। अब रेस टू वेक मतलब कि आप इसको जब भी रेस करेंगे ये अपने आप ऑन हो जाएगा, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर बटन को आप बिल्कुल ना दबाएं, बस रेस करें और वो फोन ऑन हो जाएगा, स्क्रीन ऑन हो जाएगी मतलब। तो ये काफी अच्छा फीचर है, हैंडी फीचर है अगर आपको ऐसे ही फोन रखा हुआ है, आपको नहीं दबाना बटन वगैरह, तो ये इजी फीचर हो जाता है उस बेसिस में। और काफी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, ये ऑटो ईयर पिकिंग वगैरह, तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं। अब मैं दूसरे फीचर की तरफ आता हूँ, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स की तरफ, कि मतलब आपकी जब स्क्रीन ऑफ रहती है तब आप क्या जेस्चर्स बना के क्या क्या कर सकते हैं। तो ये डबल टैप वाला ऑप्शन है, ये हमारे पुराने फोन्स में भी आता था, बहुत पुराने फोन्स में भी आता था, मतलब हर फोन में आता ही है ये मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस, कि मतलब इसको डबल टैप करो तो ऑन भी हो जाएगी स्क्रीन, डबल टैप करो तो ऑफ भी हो जाएगी स्क्रीन। तो काफी अच्छा फीचर है, अगर आपका मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, आपको बस देखना है कि कुछ नोटिफिकेशन, डबल टैप करके देख सकते हो। बस इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है तो आपको डबल टैप की जरूरत पड़ेगी नहीं होती। नेक्स्ट फीचर वी वाला है, अगर आप वी को ड्रॉ करोगे तो आपकी पीछे की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, तो ये काफी हैंडी फीचर होता है। रात में अगर आप कहीं जाते हो, रात में घूमते हो, तो ये काफी अच्छा फीचर है आपकी फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए, वी सिर्फ आपको दबाना है। ये नेक्स्ट ऑप्शन ओ वाला है, इससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, तो अगर आपको इंस्टेंट फोटोज खींचनी होती हैं बिना स्क्रीन को लॉक को ओपन करे, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो मतलब आपको सिर्फ खाली मतलब अपने स्क्रीन पे ओ को ड्रॉ करना है और ये ऑन हो जाएगा। आप इसमें अपने तरीके के जेस्चर्स भी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब आपको अगर एम से कुछ ऐप को लॉन्च करना है तो आप वो कर सकते हो, जो आप ऐप चाहो वो लॉन्च कर सकते हो, एम से मैसेज लॉन्च कर सकते हो, या फिर और कोई सी भी ऐप जो आपको पसंद हो आप वो सब लॉन्च कर सकते हो। तो काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं इस डिवाइस में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पर्सनलाइजेशन के ऊपर, कि उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप इफेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें मैं आपको जेस्चर्स और कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज आपको ये बताइए कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो हाई क्वालिटी 1080p में, और इसमें दोनों रिकॉर्डिंग हो सकती है, आपकी गेम की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो डुअल ऑडियो को सपोर्ट करता है ये, तो ये काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक फीचर की तरफ जो मैं कम यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो, स्मार्ट स्क्रोल बार जैसे कहते हैं, जो सैमसंग S7 एज जब लॉन्च हुआ था तब इसके एज की वजह से ये फीचर सुनने सैमसंग वालों ने डाला था, तो उसी को फॉलो करते हुए रियलमी भी यहाँ पे आया है। स्मार्ट स्क्रोलिंग वाला फीचर है, मतलब कि इसमें होता क्या है कि आपके साइड में एक साइड बार आ जाता है जिसमें आप अपने शॉर्टकट्स डाल सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, स्क्रीन कैप्चर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, तो ये काफी हैंडी सा फीचर हो जाता है, अगर आप इन सब में हो तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और बाकी ये स्प्लिट स्क्रीन वगैरह के फीचर्स, जब आपको दो ऐप्स एक ही मतलब एक ही टाइम पे दोनों ऐप्स रन करनी हो तो वो काफी हैंडी हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ऑन आता है वहां से। और अब मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूंगा जो कि मुझे मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो वीडियोस से रिलेटेड है, वो वीडियोस अपन देखते हैं ना, जो HD कंटेंट अगर हम स्ट्रीम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड फीचर है ये OSIE विजुअल इफेक्ट। इसको अगर आप ऑन करोगे तो आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब काफी वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे आपको और आपका HD स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस मॉडिफाई मतलब इनहेंस होगा, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक फीचर की तरफ आ जाते हैं जो कि है कि मतलब हम जब भी ये मतलब जो नोटिफिकेशन आती है ना, तो हमारे पहले के फोन्स में क्या होता था, लाइट होती थी नोटिफिकेशन LED, तो उसकी आदत होती है काफी लोगों को, तो
उसको कंपनसेट करने के लिए ये दिया गया है फीचर कि जब भी आपका कोई भी मैसेज वगैरह आ रहा है तो ये एज में से ऐसी लाइट जाती है, काफी शानदार लगता है जब ये ब्लैक डिस्प्ले पे दिखता है। तो ये मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ, मुझे काफी प्यारा लगता है ये डिस्प्ले। तो कुछ ये छोटे छोटे फीचर्स थे, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। और मैं देख रहा हूँ कि 92% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा। और मैं ऐसे कंटेंट डालता रहूंगा रियलमी X7 मैक्स के, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, डिवाइस हीटअप वगैरह हो रहा हो, तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैंने अब इसमें लिंक कर दिया अपने चैनल में, तो आप वहां जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। ये चैनल आपका ही आपके लिए बनाया गया। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए, थैंक यू एंड टेक केयर।